सब्सक्राइब कीजिए पेट्स प्लाजा चैनल को, उसके साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट डॉग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त आज का होस्ट करण प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल पेट्स प्लाजा। आज मैं जिस डॉग के बारे में बात करने वाला हूं, बहुत फेमस डॉग ब्रीड है जिसे बहुत लोग बहुत एथलीट डॉग ब्रीड, बहुत इंटेलिजेंट या वन मैन और आर्मी डॉग के नाम से भी बहुत फेमस है, जो कि है डॉबरमैन पपीज़ के बारे में। आज मैं जो आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ उस डॉबरमैन पपी के बारे में है। ये फुल्ली अमेरिकन डॉबरमैन पपीज़ के बारे में बेस्ड है। जितने मैं पपीज़ आपको दिखाने वाला हूँ अमेरिकन डॉबरमैन के ऊपर है, यूरोपियन डॉबरमैन नहीं है। बहुत सारे फ्रेंड मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं यूरोपियन डॉबरमैन के बारे में, तो अभी कोलकाता में यूरोपियन डॉबरमैन अवेलेबल नहीं है, अमेरिकन डॉबरमैन पपीज़ अवेलेबल है। तो आप अमेरिकन डॉबरमैन पपीज़ के बारे में आप मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं और जितने पपीज़ अभी मैं दिखा रहा हूँ वो अमेरिकन डॉबरमैन पपीज़ के बारे में है। पपीज़ काफ़ी एक्टिव, काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होते हैं, इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड के श्रेणी में आते हैं। जैसे कि आप अभी पपीज़ देख रहे हो, सब अलग अलग लीटर के पपीज़ हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, मतलब जितने भी पपीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ सब 35 डेज़ या 40 डेज़ प्लस के बच्चे हैं। ब्लैक कलर टैन कलर दोनों में अवेलेबल है। जैसे बहुत सारे फ्रेंड को डिमांड होता है कि मुझे टैन कलर चाहिए, टैन कलर मतलब चॉकलेट कलर चाहिए या ब्राउनिश कलर चाहिए, बहुत अलग अलग फ्रेंड अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे ये पपीज़ आप देख रहे हो, ये पपीज़ थोड़े साइज़ में बड़े हैं, ठीक है। ये 45-50 डेज़ के आस के पपीज़ है, काफ़ी एक्टिव पपीज़ है। जो फ्रेंड को एक गार्ड डॉग चाहिए, ठीक है, उनके पास टाइम की कमी है, वो ऑफिस में है या उनकी मिसेस ऑफिस में रहती है या वो एक स्टूडेंट है या वो मतलब फैमिली मेम्बर्स कम है, तो उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप डॉबरमैन पपीज़ अपने लिए ले सकते हैं। डॉबरमैन पपीज़ एक ऐसा डॉग ब्रीड है जो कि आपको उतना टाइम आपको रिक्वायरमेंट लेगा भी नहीं, जैसे दूसरे डॉग्स होते हैं उनका ग्रूमिंग के लिए उसको खाना खिलाने के लिए टाइम देना पड़ता है, तो ये डॉग ब्रीड ऐसा है इसको ग्रूमिंग के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे आप वीकली एक बार बाथिंग देने से इनफ है इसके लिए। प्लस यदि ये डॉग ब्रीड आपका बीमार भी बहुत कम पड़ता है, ठीक है, बहुत एथलीट डॉग ब्रीड है, गार्डिंग पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा डॉग ब्रीड है। मतलब मेरे ख्याल से यदि आप चीप रेट में आप यदि जाओगे कोई भी गार्डिंग पर्पज़ के लिए, आपका बजट बहुत कम है, तो आप डॉबरमैन फर्स्ट आपका प्रेफरेंस डॉबरमैन आएगा, उसके बाद आपका रॉटवाइलर आएगा, क्योंकि गार्डिंग पर्पज़ के लिए काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग है। इसको ठंड भी कभी काफ़ी कम लगती है, जैसे दूसरे डॉग्स में होता है ठंड लगने की वजह से, देखोगे आप आँख में गंद आती है, उसके बाद उसका मतलब ठंड लगने से फीवर आ जाता है, तो ये डॉग ब्रीड उतना नहीं होता है। ये इंडिया के एटमॉस्फेयर में काफ़ी अच्छे से घुल मिल चुका है, तो ये पपीज़ आप ले सकते हो। जितने पपीज़ मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको बस यदि पपीज़ लेना है तो आपको नॉर्मल से क्या करना पड़ेगा, इस पपीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे इंस्टाग्राम में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा और स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, करणवीर8770, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो करें और उसके बाद आप पपीज़ के जो स्क्रीनशॉट आपने लिए हैं वीडियो के माध्यम से वहाँ पर आप जाके मुझे ड्रॉप कर दें, और आप क्वेश्चन, आप कोई भी रिकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चंस होगा वो आप मुझे वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं। और जितने पपीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो 15,000 से स्टार्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। मैं बहुत सारे ऐसे भी डॉग थे जो कि 12,000 के भी थे मेरे पास, बट वो मैं अभी अटैच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वालिटी बेस वीडियो बनाना था। तो ये जितने पपीज़ मैं दिखा रहा हूँ काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, काफ़ी शानदार क्वालिटी के साथ है, और जो दोनों कलर है दोनों कलर अवेलेबल है कोलकाता में। यदि आप कोलकाता के बाहर भी है तो यदि आप कोलकाता आके लेना चाहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, मदर फादर आपको दिखा दिया जाएगा, स्पेशली मदर आपको दिखा दिया जाएगा फेस टू फेस, और फादर का कोई फोटोज़ या वीडियोस या मीटिंग का कोई फोटोज़ वीडियोस होगा तो वो आपको दिखा दिया जाएगा। यदि इंडिया कोलकाता के बाहर आप रहते हो या कोलकाता के बाहर आप डिलीवरी करवाना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो, क्योंकि बहुत समय क्या होता है डिलीवरी बॉय अवेलेबल नहीं होता है, बहुत समय क्या होता है डिलीवरी बॉय अवेलेबल होता है, तो उस माध्यम से मैं आपको डिलीवरी के नॉलेज आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। अब बात करते हैं इनके डाइट के बारे में, तो इनका डाइट काफ़ी नॉर्मल डाइट है, आपको सप्लीमेंट्स ऐड करना पड़ेगा वो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यदि आप अपने डॉक्टर को दिखाओगे तो आप अपने इसको इतना खर्च नहीं आने वाला है, आप एकदम एक साल तक आप ड्राई फूड में स्टार्ट करो इससे पपीज़ को, पपीज़ का जो बेस है रेडी कर लो आप,
उसके बाद आप क्या कर सकते हो, घर के खाने में इजीली ट्रांसफ़र कर दोगे। पपीज़ या डॉग जो आपके आप जो ले जाओगे वो एकदम ईजिली डाइजेस्ट कर लेगा, ईजिली उस माध्यम के साथ रह जाएगा। उसके साथ आपको कैल्शियम मल्टीविटामिन ऐड करना पड़ेगा और वीकली, और उसके बाद आपको 2-3 मंथ में आपको एक डिवॉर्मिंग करना पड़ेगा और उसके साथ लीवर टॉनिक चलाना आपको पड़ेगा। तो नॉर्मल डाइट के साथ आप इसको रख सकते हैं। नॉर्मल डाइट में क्या क्या आ सकता है, चिकन राइस ये एकदम बेस डाइट है, उसके साथ आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, पनीर ऐड कर सकते हो, छेना बोलता है बहुत सारे स्टेट में, छेना अब दूध का फटा हुआ होता है वो पानी के साथ वो आप ऐड कर सकते हो। उसके साथ आप क्या कर सकते हो, वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, कैरोट बीट्स जो भी आपके वेजिटेबल सीजनी वेजिटेबल हो। कुछ कुछ वेजिटेबल आते हैं फ्रेंड बहुत एसिडिटी करता है, वो वेजिटेबल आप अवॉइड करोगे, जैसे कि साग पत्ती वत्ती जो होता है जो हम लोग खाते हैं मेनली, तो वो सब अवॉइड कर दोगे तो उसका एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और पपीज़ काफ़ी एक्टिव है, ये सब नॉर्मल डाइट हुआ। उसके साथ आप वीकली एक बार मटन दे सकते हो, मटन का जो लेग होता है जिसे गोड़ी कहते हैं वो भी दे सकते हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छे कैल्शियम का सोर्स होता है। तो पपीज़ काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छे हैं। पपीज़ लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो डॉग के रिगार्डिंग में, कोई भी क्वेश्चंस आपको, कोई भी आप ऐसा कोई भी डॉग लेना चाहते हो, आपको आइडिया नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो, डॉग को प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे मर जाते हैं, मिल्क नहीं आता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप मुझे पेट्स प्लाजा फेसबुक पेज और ग्रुप में ज्वाइन भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड।